बताओ पुत्री, कौन है वो? असुर राज दंभ के पुत्र राजकुमार शंखचूड़। हाँ पिताश्री, पिताश्री माताश्री, मैं जानती थी इसी की आशंका थी, किंतु राजकुमार शंखचूड़, मैंने तो पति रूप में आपका वरण कर लिया है। संसार की कोई भी शक्ति अब मुझे अपने निर्णय से डिगा नहीं सकती, अपने वचन से डिगने को बाध्य नहीं कर सकती। या तो मैं अपने मन के आराध्य का वरण करूंगी या मृत्यु का, यह मेरा अटल निर्णय है। आइए दानवराज, आइए। प्रणाम कुलगुरु। आयुष्यमान भव, कहिए असमय आने का कैसे कष्ट किया? हे असुर कुलगुरु, मैं आपसे कुछ परामर्श करने आया हूं। कहिए दानवराज। हे गुरुदेव, राजकुमार शंखचूड़ अपनी तपस्या समाप्त कर कल राजधानी लौट रहे हैं। आप तो जानते हैं, तब के लिए जाते समय राजकुमार शंखचूड़ को मैं युवराज के पद पर बिठाना चाहता था, किंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। दानवराज, राजकुमार शंखचूड़ ने युवराज पद अस्वीकार करके समस्त दानव जाति पर उपकार किया है। अब अवसर आ गया है कि आप उन्हें युवराज पद पर नहीं, उन्हें अपने स्थान पर, अपने सिंहासन पर बैठाइए। कितनी सुंदर बात कही है गुरुदेव आपने, मैं भी यही परामर्श करने आया था। दानवराज, आप मेरे कहने का अर्थ ही नहीं समझे। गुरुदेव। हाँ दानवराज, राजकुमार शंखचूड़ को दानवों का राजा घोषित करने के लिए मेरे पास दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि राजकुमार वरदान में असीम शक्तियां प्राप्त करके आ रहे हैं, किंतु उनमें असुर संस्कारों की अत्यधिक कमी है, उन पर देवताओं के संस्कारों का अधिक प्रभाव है। मेरा दूसरा कारण यह है कि जब आप राजकुमार को सिंहासन पर बैठाएंगे तो नियमानुसार उन्हें सिंहासन छूकर प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, वो प्रतिज्ञा जो आपने अपने पिता से की थी किंतु उसे पूरा नहीं किया। गुरुदेव, मैं आपका तात्पर्य समझ गया। उस प्रकार प्रतिज्ञा करने से राजकुमार शंखचूड़ वचनबद्ध हो जाएंगे और वे दानवों को वो सब कुछ दे पाएंगे जो मैं उन्हें नहीं दे सका। हे गुरुदेव, कल राजकुमार शंखचूड़ के राजसभा में आते ही मैं उनके दानव राज होने की घोषणा कर दूंगा। गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भाव। अति सुंदर। राजकुमार शंखचूड़ की, राजकुमार शंखचूड़ की, राजकुमार शंखचूड़ की, राजकुमार शंखचूड़ की, राजकुमार शंखचूड़ की। कीर्तिमान भावपुत्र, कुलगुरु। यशस्वी भाव।
आयुष्मान भव। दानव लोक के सभासदों, कुलगुरु श्री शुक्राचार्य की अनुमति से आज मैं आप लोगों के सामने एक घोषणा करना चाहता हूं। आज संपूर्ण दानव लोक के लिए बड़े ही हर्ष का दिन है। आज राजकुमार शंखचूड़ अपनी तपस्या द्वारा असीमित शक्तियां प्राप्त करके लौटे हैं। तपस्या पर जाने से पूर्व मैं राजकुमार शंखचूड़ को युवराज घोषित करना चाहता था, किंतु यह हमारी भूल थी। हां पुत्र, यह मेरी भूल थी कि मैं तुम्हें युवराज बनाना चाहता था, किंतु तुम तो मेरे सिंहासन पर बैठने के योग्य हो चुके हो, और आज मैं तुम्हें अपने स्थान पर इस सिंहासन पर बिठाना चाहता हूं। पिताश्री। नहीं पुत्र, मैं निर्णय ले चुका हूं। इस सिंहासन को छूकर अब तुम वो प्रतिज्ञा करो जो प्रतिज्ञा इस सिंहासन पर बैठने से पहले मैंने की थी और जिसे आज तक मैं पूर्ण नहीं कर सका। पिताश्री, एक पुत्र के लिए सबसे बड़े सौभाग्य का दिन वो होता है जब वो अपने वचन के साथ साथ अपने पिता द्वारा दिए गए वचन की पूर्ति का सौभाग्य प्राप्त करे। मैं नहीं जानता कि आपने सिंहासन को छूकर क्या प्रतिज्ञा की थी, किंतु मैं आपका पुत्र शंखचूड़ इस सिंहासन को छूकर आपको यह वचन देता हूं कि आपके द्वारा दिए गए आदेश का पालन करूंगा। आदेश दीजिए पिताश्री। तो सुनो पुत्र, मैंने इस सिंहासन को छूकर तुम्हारे पितामह अर्थात अपने पिताश्री को वचन दिया था कि मैं दानव लोक की सीमाओं की वृद्धि करूंगा। मैं समस्त मानव लोक और देवलोक पर अपना अधिकार स्थापित करूंगा। ये कैसी प्रतिज्ञा है पिताश्री? ये कैसा वचन है? क्या सिंहासन प्राप्ति का अर्थ केवल सीमाओं का विस्तार है? क्या सिंहासन प्राप्ति का अर्थ केवल दास प्रथा की वृद्धि करना ही है? नहीं पिताश्री, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकूंगा। जानता हूं कि मैं वचनबद्ध हूं, किंतु वचन देने के बाद उसका पालन न करने का जो दंड होता है वो मैं स्वयं को दूंगा, अवश्य दूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, ये क्या दुर्भाग्य ने घर में कैसी सेध लगाई है? गुरुदेव, एक एक असुर के घर में देवता कहां से आ गया? मैं तो लूट गया गुरुदेव, मैं तो लूट गया। नहीं दानवराज, आप निराश ना हो। आप जानते हैं कि मैं भविष्य वक्ता हूं। मैं देख रहा हूं कि आपकी प्रतिज्ञा का, आपको दिए हुए वचन का पालन आपका पुत्र शंखचूड़ ही करेगा। गुरुदेव। हां दानवराज, बस ये समझिए कि ये असुर कुल गुरु शुक्राचार्य का वचन है। महाराज, अब क्या होगा? ये क्या अनर्थ हो गया? महारानी, मैं ये अनर्थ कैसे होने दे सकता हूं? एक देव कन्या को एक असुर के हाथों कैसे सौंप सकता हूं? वो तो सब ठीक है महाराज, किंतु आप अचानक वहां से चले क्यों आए? आपको अपनी पुत्री को समझाना चाहिए था। आप सत्य कह रही हैं। वो सब अकस्मात सुनकर मेरी समझ में ये नहीं आया कि क्या कहूं और क्या करूं। आप तो जानती हैं मैं तुलसी से कितना स्नेह करता हूं, स्नेह के साथ साथ मैं उसका कितना सम्मान करता हूं। कदाचित उसका विरोध करने के लिए मैं अपने अंदर थोड़ा साहस जुटाना चाहता था,
महारानी चलिए हम अपने पुत्र को समझाते हैं और यह अनर्थ होने से बचाते हैं। चलिए महाराज। चलिए तुलसी। पुत्री तुलसी। तुलसी पुत्री तुलसी। तुलसी पुत्री तुलसी। तुलसी 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 कहाँ चली गई? यहीं गई होगी, उद्यान गई होगी, हो सकता है कमल ताल के तट पर होगी। चलो चलकर देखते हैं। नर्मदे, मैं वचनबद्ध हूँ, किंतु मेरे पिताश्री अपनी इच्छा से मेरा विवाह राजकुमार शंखचूड़ से नहीं करेंगे। उधर शंखचूड़ भी इतने स्वाभिमानी हैं कि मेरे पिताश्री की ओर से विवाह का प्रस्ताव गए बिना वो मुझसे विवाह नहीं करेंगे। और इस प्रकार ब्रह्मा जी को दिया गया मेरा वचन व्यर्थ जाएगा, इसलिए मैं ये निर्णय लेके आई हूं कि मैं जल समाधि ले लूं। मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। एक मार्ग। प्रणाम है आदि प्रजापति। सौभाग्यवती भवा। हे आदि प्रजापति, आप सत्य जानते हैं इसीलिए मेरा उपहास कर रहे हैं? नहीं, मैं सत्य जानता हूँ इसीलिए आशीष दे रहा हूँ। तुलसी, तुम्हें जीवित रहना है और शंखचूड़ की पत्नी बनना है। किंतु हे आदि प्रजापति। तुलसी, ये तो मैं तुम्हारे भाग्य में लिख चुका हूँ। इस समय यदि तुम नर्मदा में कूद भी पड़ोगी तो भी नर्मदा तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। हे आदि प्रजापति, तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ? तुलसी, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर थोड़ी दूर जाओ। इसी नदी के तट पर एक और युवक खड़ा है जो वचन की उलझन में पड़ा हुआ है और इसीलिए वो वहाँ जल समाधि लेने आया है। जाकर उसे रोको। यदि उसे रोक लोगी तो तुम्हारा वचन पूर्ण होगा। और उस युवक से कहना कि वचन देने के पश्चात सोचना महापाप है। तुलसी, जाओ और जाकर शंखचूड़ को इस पाप से बचा लो। तो क्या राजकुमार शंखचूड़? हाँ, वे भी धर्म संकट में पड़े हैं। तुलसी, गंधर्व विवाह की परंपरा ऐसी समस्या के निदान स्वरूप बनाई गई है। जाओ तुलसी, शुभ से शीघ्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रणाम है आदि प्रजापति। आयुष्मती भव। माते, आप भली भांति जानती हैं कि मैं विचारों की दोराह पर खड़ा हूं। मैं जानता हूं मैं असुर हूं, किंतु न जाने क्यों मैं अन्य असुरों की भांति उद्दंड नहीं बनना चाहता। परंतु इसी काल में मेरे हृदय में एक दूसरी भावना भी जन्म लेती है कि असुर होने के नाते मुझे असुर नीतियों का ही पालन करना चाहिए। पिता को वचन देकर मैं भाग आया। संसार में उससे बड़ा पापी और कोई नहीं होता जो वचन देने के पश्चात अपने वचन का पालन न करे।
इसलिए हे माते नर्मदा, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, क्योंकि वचन भंग का प्रायश्चित जल समाधि के अतिरिक्त अब और कुछ हो ही नहीं सकता। ठहरिए। नहीं राजकुमार, नहीं राजकुमार, रुक जाइए। नहीं राजकुमारी तुलसी, आप लौट जाइए, अब बहुत विलंब हो चुका है। नहीं राजकुमार शंखचूर, कुछ भी विलंब नहीं हुआ, मैं समय पर पहुंच गई। कदाचित आप नहीं जानते, मैं आपको मन, वचन और कर्म से अपना पति मान चुकी हूं। हमारा विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ? जो संकल्प आपने किया, मुझे भी उसमें अपना सहभागी बना लीजिए, मैं भी आ रही हूं। ठहरिए राजकुमारी, ये आप क्या कर रही हैं? अपने धर्म का पालन कर रही हूं। नहीं राजकुमारी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। तो फिर इसका एक दूसरा मार्ग भी है। कौन सा मार्ग? देखिए, मैंने ब्रह्मा जी के समक्ष आपको हृदय से अपना पति मान लिया है, किंतु मैंने जो वचन उन्हें दिया उसमें मेरे पिता बाधा बनकर मेरे सामने खड़े हो गए। मैं अपने पिता से स्नेह करती हूं, इसलिए मेरे अपने धर्म संकट और मेरे पिता के धर्म संकट का एक ही उपाय है कि आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। राजकुमारी तुलसी, राजकुमार शंखचूर, कदाचित असुर प्रवृत्ति का होना इतना बुरा नहीं है जितना किसी को दिए हुए वचन का पालन न करना है। आप मुझसे गंधर्व विवाह कीजिए और मुझे लेकर अपने महल चलिए, जहां बुझे हुए दीपों के साथ आपके माता पिता उदास बैठे हैं।